Good morning, my dear children. How are you today? In today's maths class, we learn chapter number 9, metric measures. So note down C.W. date for February 2021 and day is Thursday. So let us recall some facts about metric measures. We measure length, weight and capacity of different objects. हम कई प्रकार की चीजों की लंबाई, उसका वजन और उसकी कैपेसिटी को मेजर करते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, हम जो लंबाई है उसे मीटर में काउंट करते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट इज ग्राम. वेट को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्राम, जिसको हम स्मॉल जी करके इंडिकेट करते हैं. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर. कैपेसिटी मीन्स कोई भी जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे हम कैपेसिटी में काउंट करते हैं, जिसका यूनिट है लीटर और जिसे हम स्मॉल एल करके डिपिक्ट करते हैं. समटाइम्स लोअर एंड हायर यूनिट्स आर ऑल्सो यूज लाइक केजी, किलोमीटर, मिलीलीटर एक्सेट्रा. All units of one type can be converted into lower or higher. This rope is 1 meter long. This rope is 1 meter long. This rope is 100 centimeter long. अब आपको यहाँ पे इस गर्ल के पास क्या है? एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है? 1 meter. और यह लड़का कह रहा है यह जो रस्सी है वह 100 centimeter long है. हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 1 meter को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 centimeter, है ना? सिमिलरली वी हैव लर्न 1000 meter इक्वल्स टू 1 kilometer और 1 meter इक्वल्स टू 1/1000 kilometer. 1000 gram इक्वल्स टू 1 kg और 1 kg इक्वल्स टू 1/1000 kg. 1000 milliliter इक्वल्स टू 1 liter और 1 milliliter इक्वल्स टू 1/1000 liter. 1 meter इक्वल्स टू 100 centimeter. हम यह कह सकते हैं कि 1 meter को हम 100 centimeter लिख सकते हैं और जब हम 1 centimeter की बात करेंगे तो उसका मीटर में कन्वर्जन क्या हो जाएगा? 1/100 meters. नाउ टर्न द पेज. And let us read after me the metric measures. So far we have learned that length can be measured in meter, centimeter and kilometers. Weight can be measured in gram and kilogram. Capacity can be measured in liter and milliliters. These are some of units which are commonly used for larger group of measurement units called metric measures. In this system of metric measures, there are many units to measure length, weight and capacity. हम length को सिर्फ meter, centimeter, kilometer में ही count नहीं करेंगे या फिर gram, weight को gram और kilogram में ही count नहीं करेंगे. वैसे ही capacity को हम liter और milliliter में ही count नहीं करेंगे. इसे count करने के और भी तरीके हैं. In this system of metric measures, there are many units to measure length, weight and capacity. All these units of one type can be converted into each other since each greater unit is 10 times its previous smaller unit. अभी देखिए, metric measures of for length. अब हमें length को count करने के जो metric measures है वह देखने हैं. We have the following: kilo, hecto, deca, deci, centi, milli. अभी आपको इसे याद करने का एक तरीका हम बताते हैं. इसे आप कैसे याद करेंगे? किलोमीटर, किलो का आप लिखेंगे किलोमीटर. अब मीटर क्यों लिखा आपने? क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ मेजर कर रहे हैं, है ना? एम क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गई. किलोमीटर, हेक्टोमीटर. एच एम मीन्स हेक्टोमीटर. DAM डैम मीन्स डेकामीटर. DECI डेसी मीन्स DM मीन्स डेसीमीटर. CM मीन्स सेंटीमीटर एंड MM मीन्स मिलीमीटर.
अभी इसे याद करने का एक तरीका है, किलो ने हेक्टर को देखा तो डेसी सेंटी मिली। आप ऐसे करके इस लाइन को याद कर सकते हैं, किलो ने हेक्टर को देखा तो डेसी सेंटी मिली, है ना। तो ग्रेटर यूनिट इसमें से कौन कौन से हो गए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर, एंड द लोअर यूनिट कौन से हो गए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 × 1 mm इक्वल्स टू 10 mm, 1 dm इक्वल्स टू 10 × 1 cm इक्वल्स टू 10 cm, एंड 1 meter इक्वल्स टू 10 × 1 dm इक्वल्स टू 10 dm, है ना। 1 dm इक्वल्स टू 10 meter, 1 hm इक्वल्स टू 10 dm, एंड 1 kilometer इक्वल्स टू 10 hm, है ना। अभी आपने ये जो भी यूनिट्स देखे हैं, इन यूनिट्स के बीच में जब हम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट जाएंगे तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। एंड जब हम स्मॉलर यूनिट टू हायर यूनिट जाएंगे तो हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन। और हर यूनिट के बीच में कितने कितने का अंतर है, 10 का, है ना। जैसे किलोमीटर और हेक्टोमीटर के बीच में 10 का अंतर है, हेक्टोमीटर से डेकामीटर के बीच में 10 का अंतर है, डेकामीटर से मीटर के बीच में 10 का अंतर है। अब यहाँ पे जो भी हमने अभी किलो, हेक्टो और डेकामीटर देखा, यह सब क्या है, हायर यूनिट है। अब मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो लोअर यूनिट, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर उससे छोटा, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर उससे छोटा। तो बच्चों यह सब आपको अच्छे से लर्न करना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।